पानीपत के एनसी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स ने ओपीडी बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी शिकायत है कि कॉलेज प्रबंधन उन्हें स्टाइपेंड नहीं दे रहा। उधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि स्टाइपेंड दिया जाएगा, पर स्टूडेंट का ये तरीका सही नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड के विवाद बढ़ने लगे हैं। पानीपत के एनसी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे 2019 बैच के डॉक्टर्स ने आखिरी साल में चल रही इंटर्नशिप के बदले स्टाइपेंड न मिलने पर ओपीडी में हड़ताल कर दी और नारेबाजी की। इनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन उन्हें स्टाइपेंड नहीं दे रहा, इसलिए कॉलेज के करीब 125 इंटर्नशिप हड़ताल पर बैठ गए। पहले डॉक्टर्स बन रहे इन बच्चों की दलील सुनिए। जैसे हमारे स्टेट ऑफिसर साहब ने बताया अभी कि अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है, जो भी बेसिक अंग्रेजी जानता है उसको पता होगा कि एज पर स्टेट का मतलब क्या होता है। अब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि कॉलेज को ये नहीं पता कि स्टेट में कितना अमाउंट चल रहा है। एक महीने से लगे हुए हैं इस काम पे और हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है इनकी तरफ। एक डेढ़ महीना हो गया हमें यहाँ पे लगातार काम करते हुए और चेयरमैन हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं। उधर एनसी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की दलील है कि वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चला रहे हैं, सरकार की ओर से निर्धारित फीस पर भी वो कॉलेज चला रहे हैं। फिर भी प्रबंधन ने 1 मार्च से शुरू हुई इंटर्नशिप स्टाइपेंड 5,000 रुपए प्रति स्टूडेंट देना मान लिया है, जो 10 से 15 अप्रैल के बीच उनके खातों में आ जाएगी। इसलिए प्रोटेस्ट या हड़ताल करना उचित नहीं है। चेयरमैन साहब ने कल भी बच्चों को सेम चीज बताई थी और अब भी मैनेजमेंट ने कमेटी बना रखी 5 लोगों की। मैं खुद इनको रिक्वेस्ट करके ये कहने हूं साहब, एक बार आकर के जो भी अनाउंस कर रहे हैं, जो भी जस्टिफाइड बात कर रहे हैं, एक बार आके सुन लें। 5 बच्चों से भी अनुरोध है कि वो अंदर आ जाए। कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण यहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और खाना दिया जा रहा है, ऐसे में ये उनके साथ भी ज्यादती है। इसलिए बच्चों को हड़ताल छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे और घोषणा कर रही है, जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की अपनी भी दिखते हैं, इसीलिए सरकार इनकी बात भी सुने। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।